मुस्लिम की इजाजत से। मशरिक से हो बेजार न मगरिब से हजर कर, मशरिक से हो बेजार न मगरिब से हजर कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। जनाब स्पीकर, जिस तरह के आज की करारदाद का उन्वान है, हम मशरिक के मस्किनों का दिल मगरिब में जाट क्या है। जनाब आलम, इस करारदाद का मुखातिब किसी एक को मानना नाइंसाफी होगी। इसका मतन हमारी कौम के मुर्दा जमीरों का आकाश होना चाहिए, हमारे मुक्तदर हलकों को अयां करता हो, आला क्लास तबके का तर्जमान हो और गुरबा की जहनी गुलामी का नुमाइंदा होना चाहिए। आलियोकार तारीख में ऐसी कई कौमों के किस्से रकम हैं जिन्होंने मसीहत के नाम पर अपने सिरों को समते वलत ने झुका दिया, बाद में उनका अंजाम बाजार में बिकने वाले जिस्मों की माने कमजर और हकीर बनकर उभरा। ऐसा ही कुछ हाल बदले अभी कह रहे जनाबे वाला, हालत कुछ इस तरह है कि एक मफलूकुल हाल तबके के नादार पर से लेकर आला क्लास के खुशहाल तबके तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, मर्दों से लेकर औरतों तक, आवाम से हुक्मरानों तक, एक इमाम मस्जिद से लेकर एक जामिया के प्रोफेसर या बड़ी कुर्सी पर विराजमान अफसर तक, सबके जहनों में मगरिब की जिद्दत और खुशहाली का अलाप है। मगरिब की चकाचौंध रोशनी ने सबके जहनों और आंखों पर पट्टी बांधी है। जनाबे वाला, हम मुसलमान और पाकिस्तानी होने का दावा तो करते हैं, मगर अपनी अमली जिंदगी में मगरिब की अंधी तकलीफ को किसी सूरत हाथ से जान नहीं देते। हम खुद को असलाफ का पैरोकार तो कहते हैं, पर हकीकतन बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग को अपना आइडल रखते हैं। हम मिली वहदत का राग तो अलापते हैं, पर मगरबी कौमी तशक्कुस पर फख्र करते हैं। आलियोकार, हमारी सोचें तमाम तर हदूद व कयूद को बराए ताक रखकर इस हद तक दोगलेपन का शिकार हो चुकी हैं कि हम जीना मगरिब में चाहते हैं, मरना वतन में, हम हुकूमत मुल्क की चाहते हैं और अय्याशी मगरिब की, अस्पतालों के लिए जिदोजहद यहाँ करते हैं लेकिन इलाज मगरिब में, दफन के लिए वतन की मट्टी चाहिए लेकिन जिंदगी अमेरिका की, चंदा यहाँ इकट्ठा करते हैं, फ्लैट वहाँ खरीदते हैं और बेरोजगारी का रोना यहाँ पीटते हैं लेकिन इकबाल को शक इसकी शराफत में ही है। हर मिल्लत मजलूम का यूरोप है खरीदार, हर मिल्लत मजलूम का यूरोप है खरीदार। जनाबे वाला, अगर यहाँ पर हिजबे मुखालिफ के अराकीन मौजूद होते तो वो जरूर बिल जरूर मेरे इन दलाइल को जज्बातियत का नाम देते, लेकिन मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ, ये जज्बातियत नहीं बल्कि हक्कानियत पर मबनी बातें हैं और ये मैं साबित करके छोड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। तो सुनिए जनाबे वाला, इसकी वजह ये है कि हमने दीन इस्लाम की तालीमात से मुंह मोड़ा, मेहनत को हिम्मत को छोड़ा, असलाफ की रवायात को तोड़ा, नतीजतन हुआ ये कि हम दुनियावी तरक्की में उनसे कोसों पीछे रहे। इसलिए जनाबे वाला, इसलिए हमें उनकी एजलात ने मुतासिर किया, हमें उनके ख्यालात ने मुतासिर किया, हमें उनकी रंगीन जिंदगियों ने मुतासिर किया, हमें उनकी आसाइश ने मुतासिर किया, हमें उनकी खुशहाली ने मुतासिर किया। यही वजह है जनाबे वाला, यही वजह है कि हम में से हर एक अपने लिए किसी मगरबी मुल्क का स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा या फिर रिहायशी वीज़े के हसूल का ख्वाहिशमंद है। और मैं अपनी करारदाद की हिमायत में इकबाल का ये शेर पेश करना चाहूँगा जो कि इसकी भरपूर हिमायत करता है कि यही दस देता है हमें हर शाम का सूरज, यही दस देता है हमें हर शाम का सूरज कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे।